जिसका नाम होने वाला है नेपॉप वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। बेसिकली इट्स अ रिवॉल्यूशन टाइप ऑफ वीडियो जिसपे मेरे को हमेशा से रिएक्ट करने का मन था, तो मैंने बोला यार वाई नॉट, मेरे दोस्त ने मुझे अभी सेंड किया तो मैंने बोला फटाफट रिएक्ट करते हैं। सो इट्स अ रैंडम चैनल कॉल्ड 151। और ठीक है, अपन पहले अपन चेकआउट करते हैं वीडियो को, अगर इंप्रेस किया भाई ने अपने को तो मेक श्योर करेंगे कि अपन इसको सब्सक्राइब करेंगे सारी जनता, ठीक है। और दैट्स द रूल भाई, इंप्रेस अस भाई सबसे पहली बात तो। और बालों ने मेरे आज तुमको इंप्रेस नहीं किया होगा, पता नहीं मेरे बालों को क्या हो रहा है भाई, शैम्पू करके आया था तो बिखर गए, तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैं बैठ गया भाई। वीडियो इज नेसेसरी क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं तुमको बताया था, तो थोड़ी आवाज़ आवाज़ आए तो सह लेना, क्योंकि ले यू ऑलरेडी नो Content is necessary. तो सब्सक्राइब करो, नीचे जाके लाइक करो फटाफट। लेट्स गेट इस वीडियो को बनाने से पहले मैं नेपहॉप रैपर्स के बारे में बिल्कुल कम जानता था, बिकॉज लैंग्वेज इशू के कारण मैं उनके सॉन्ग्स को समझ नहीं पाता था, और इसी वजह से मेरा इंटरेस्ट नेपहॉप के सॉन्ग्स की तरफ कम था। एंड मैंने सिर्फ B10 और यामा बुद्धा का नाम ही सुन रखा था नेपहॉप रैपर्स में से। बट फिर मेरा मन किया कि क्यों ना नेपहॉप के बारे में थोड़ी रिसर्च की जाए एंड देखा जाए कि नाइस डिसीजन ब्रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तो मस्त डिसीजन लिया तुमने, मेरा भी सेम चीज था। मतलब मेरे को तो पता है V10 और यामा सर भी नहीं मालूम था सबसे पहली बात, तो सबसे पहले मेरे को पता था यूनिक पोएट, बट जैसे वैसे मैं आगे बढ़ा मैं बोला ओ फक भाई क्या सीन है ये, फिर मैं पूरा पूरा घुसा अंदर। तो मतलब मेरे लिए नेपॉप है ना ऐसा, मतलब कोई वो नहीं है कि एक जॉनरा नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए पार्ट है मेरी लाइफ का। अब ऐसा सीन होता है मेरे जिंदगी में कुछ कुछ लिमिटेड चीज़ें, मैं उनको ही ऐसा बोलता हूँ, बहुत अहमियत देता हूँ। जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड को मैंने बोला था एक बार कि यू नो, मतलब अभी है नहीं वो, बट बोला था कि तेरे आने के बाद यू नो मैं डिसेंट बन गया हूँ थोड़ा, मतलब ऐसा कि बोलना मेरा बहुत इंप्रूव हो गया, ड्रेसिंग इंप्रूव हो गई थोड़ा बहुत ऐसा, मतलब अपन खुद को कैरी अच्छा करने लग गए। सो नेपॉप इज लाइक दैट, कि मैंने तुमको बता दिया था मेरे को सुसाइडल थॉट्स आते थे पहले तो हल्के हल्के, तो उस मतलब जहाँ पे मैं अटकता था ना वहाँ पे नेपॉप मेरे को संभालता था, कि मतलब ठीक है कि मेरे को सुन के रखता था हाँ भाई कुछ जीने का पर्पस है, मेरे को अलाइव फील कराता है भाई ये, बहुत प्योर भी, और ये सब चीजें तुम भी फील करते होगे भाई, तो दैट्स द सीन। अच्छा डिसीजन है ब्रो। मैंने सिर्फ V10 और यामा बुद्धा का नाम ही सुन रखा था नेपॉप रैपर्स में से। बट फिर मेरा मन किया कि क्यों ना नेपॉप के बारे में थोड़ी रिसर्च की जाए एंड देखा जाए कि क्या नेपाल के लोग भी इतना ही क्रेजी हैं जितना कि इंडिया में है हिप हॉप को लेकर। जैसे जैसे मैं नेपॉप के बारे में जानता गया, धीरे धीरे मुझे पता चलता गया, वैसे वैसे मेरे होश उड़ते गए, बिकॉज जिस टाइम इंडिया के लोग सिर्फ कमर्शियल सॉन्ग्स को हिप हॉप समझते थे, उस टाइम नेपाल के रैपर्स हिप हॉप के हर जॉनरा को एक्सप्लोर कर चुके थे। एंड सबसे शॉकिंग चीज मुझे ये लगी कि वहाँ के अंडरग्राउंड रैपर्स के व्यू इंडिया के मेनस्ट्रीम रैपर्स के व्यूज के इक्वल आ रहे हैं, जबकि नेपॉप के रैपर्स को सिर्फ नेपाली समझने वाले लोग ही सुनते हैं। सबको पता है कि नेपाली समझने वाले लोग एज कम्पेयर टू हिंदी समझने वाले लोगों से काफी कम है, फिर कैसे नेपॉप रैपर्स इंडियन रैपर्स को व्यूज, फैंस और म्यूजिक वीडियोस की क्वालिटीज को लेकर एकदम बराबर की टक्कर दे रहे हैं। तो वही तो बात है ना ब्रो, मैं वही तो सोचता हूँ कि मतलब तुम समझो ना कि वहाँ के नेपाल में ना स्टार्स मतलब शाहरुख खान नहीं है, वहाँ के लिए स्टार V10 है, समझ लो कि वो लोग रैपर्स को रैपर्स नहीं मानते, सुपरस्टार्स मानते, समझ लो कि वो कमर्शियल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उनको नहीं सुनते, वो उनकी निजी जिंदगी भी चेंज करते रैपर्स, तो वो उनको वैसे पर्सपेक्टिव से सुनते। लाइक तुमने अगर देखा हो कि यार इंडिया में भी स्टार्स बहुत सारे, पर हम लोग दूध चढ़ाते उन पे रजनीकांत सर पे, क्योंकि हम उनको एज एन सिर्फ एक्टर नहीं मानते, समझ रहे हो, हमारी निजी जिंदगी चेंज करते, तो वैसा ही है वहाँ पे सीन। मैं हमेशा देखता यार कमर्शियल, बट उधर यार सोशल इश्यूज पे इतने व्यूज आते हैं, मैंने ये सब चीजें पहले बोली हुई है, मैं देख जाता हूँ कि ये बंदा नया क्या बोल रहा है अभी, एकदम बराबर की टक्कर दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक को एक साथ क्लियर करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि आखिर कैसे नेपॉप इतना ज्यादा ग्रो हुआ। नेपॉप की नींव कहो या फिर नेपॉप की बिगनिंग कहो, वो शुरू होती है आज से 30 साल पहले 1992 में, जब पहला नेपाली रैप सॉन्ग मीनिंगलेस रैप रिलीज किया गया था। एंड यही नहीं, जिस गिरीश सर ने निकाला था ना ये वाला, गिरीश कातियावाड़ा ब्रो, देख रहे हो तुम देख रहे हो, tier 3 tier 4 ऑडियंस भी इनको सुन सकती है, समझ सकती है भाई। कि नो मीनिंग रैप इज अ मीनिंगलेस रैप, समझ रहे हो, सिंपल भाई, सिंपल, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करने का भाई, समझ रहे हो। I'm just kidding भाई, मजा आता है। रैप रिलीज किया गया था, ये मुझे लगता है डिस है भाई अब ये सारे करंट रैपर्स पे, कि भाई नो मीनिंग रैप इज अ मीनिंगलेस रैप, समझ, मीनिंगलेस रैप है तुम्हारा, तुम क्या बना रहे हो, मीनिंग रैप यू हो, मीनिंगलेस रैप, नो मीनिंग रैप, इट्स अ मीनिंगलेस रैप।
एंड यही नहीं, जिस टाइम इंडिया में काफी कम रैपर्स लिरिकल रैप कर रहे थे जिसमें से एक कृष्णा है, और कृष्णा ने अपना फर्स्ट सॉन्ग पैसिफिक के साथ एक कोलैब सॉन्ग 2008 में रिलीज किया था जो कि एक नॉन कमर्शियल सॉन्ग था। क्या हो अगर मैं कहूँ कि नेपोप के रैपर्स कृष्णा से पहले भी लिरिकल रैप सॉन्ग्स रिलीज कर चुके थे? एंड अगर यकीन नहीं होता तो ये 2007 में रिलीज हुआ गिरीश परनील का रैप सॉन्ग सुनो। एंड अगर हम ओल्ड नेपोप रैपर्स के म्यूजिक वीडियोस को देखें, उनके म्यूजिक का स्टाइल देखें, तो उनके सॉन्ग्स में हमें वेस्टर्न हिप हॉप की पूरी झलक दिखाई देती थी। लाइक उन्हें हिप हॉप के हर एलिमेंट का पता था, उन्हें गैंग साइंस के बारे में पता था, वो पूरी तरीके से वेस्टर्न हिप हॉप को फॉलो कर रहे थे। एंड वहाँ के रैपर्स के साथ साथ ऑडियंस भी काफी सपोर्टिव थी, बिकॉज इन सॉन्ग्स पर भी काफी अच्छे व्यूज आ जाते थे, जो कि नेपाल की ऑडियंस का नेपोप के रैपर्स के साथ एक कनेक्शन दिखाता है। एंड फिर आते हैं यामा बुद्धा, जिन्हें की नेपोप का किंग या फिर गॉड ऑफ नेपोप। ये मैं जैसे जैसे सुनते जा रहा हूँ उसकी बातें, मेरे मन में पूरा वो इमेज बनता जा रहा है। पता जैसे इसने बोला कि वो पहले के रैपर्स को पूरा एलिमेंट्स के बारे में पता था, मेरे दिमाग में सिर्फ यामा बुद्धा सारी चल रहे थे, समझ रहे हो? मतलब मेरे को उनकी पूरे वो रियल वाला गाना है ना, उसकी शक्ल याद आ रही थी कि वो स्माइल कर रहे हैं और कैप पहनी हुई है। तो दे यार, मतलब मेरे को कभी बिलीव नहीं होता कि वो नेपाल से बिलोंग करते, समझ रहे? मेरे को पूरा वो वेस्ट कोस्ट में एकदम ओल्ड स्कूल रैपर्स होते थे, ठीक है, एकदम काम तो नहीं होते थे, पर मतलब ये काम है और मतलब काम पे जरूर ध्यान देते थे, बस ऐसा सीन है। मेरे को वही चीजें चल रही मेरे मन में कि नेपोप का किंग या फिर गॉड ऑफ नेपोप के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज उनके सॉन्ग्स का स्ट्रक्चर से लेकर लिरिसिज्म काफी यूनिक रहता था बाकी वाले रैपर्स से। एंड उनके ज्यादातर सॉन्ग सोशल इश्यूज से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड रहते थे। एंड अगर तुम जाके उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट फाइनल फैंटेसी जो कि 2011 में रिलीज हुआ था, उसी के साथ रिलीज हुआ साथी सॉन्ग सुनोगे, तुम सोचने पर साथी सॉन्ग 2011 में रिलीज हुआ था क्या? डैम, मुझे ये नहीं पता था भाई। मैंने रिसर्च करी थी और मैंने पूरा एक वीडियो भी निकाला है, बट मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी। मतलब वही तो बात है ना, उसकी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा सही है कि मतलब पहले के रैपर्स एकदम बूम बैप बीट यूज़ करा करते थे, एकदम ओल्ड स्कूल टाइप की चीज़ें, बट ये चीज़ें देख के मेरे को कभी नहीं लगता। उसकी क्वालिटी देखो, तुम उसका वीडियो देख लो, कहीं से भी नहीं लगेगा तुमको, और एक पर्पस लेके चल रहा था वो पूरा वीडियो। That's the scene, भाई। कुछ नई चीजें पता तो चलती अपने को इससे। 2011 में रिलीज हुआ था, उसी के साथ रिलीज हुआ साथी सॉन्ग सुनोगे, तो तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कैसे उस टाइम पर कोई आर्टिस्ट इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग कर सकता है, कैसे वो अपने इमोशंस को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है। त्यो पछि त्यो दामी छाप नभई दिन पनि राम्रै नलाग्ने त्यसपछि फेरि कहिले उस यामा बुद्धा का ये बोला भी बताए अपने वीडियो में कि जिस चीज़ को फेमस होना होता है ना, कैसे भी वो चीज़ फेमस होती है। जैसे कल EPR के बारे में मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा था, ये बीट भी तुम देख लो, ये बीट मैं तुमको अपने वीडियो बताई थी कि टिकटॉक वाली बीट है वो, तो समझ रहे सबसे ओरिजिनल टिकटॉक से चालू नहीं हुई ये है वो बीट, समझ रहे, यहाँ से टिकटॉक पे आई है, और दैट्स वाई फिर वो इंडिया वाले में ज़्यादा फेमस हो गया, इसलिए इंडिया में टिकटॉक बहुत फेमस है। तो घूम फिर के देख रहे हो कैसे सोशल इशू वाले व्यूज़ पे, मतलब सोशल इशू वाले वीडियो पे व्यूज़ जा रहे हैं अभी तक भी, बहुत सही चीज़ होती है। बताया यार, तुम बस काम करने में ध्यान दो, देखो सब भगवान तुमको सब सच में आगे लेके जाएगा, देखना। यामा बुद्धा का ये सॉन्ग इंडिया में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था और इस पर राइट नाउ 30 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। यामा बुद्धा ही थे जिन अपने लास्ट टाइम देखा था अभी थोड़े महीनों पहले, तो उस पर 22 मिलियन व्यूज थे। सी भाई, 35 मिलियन व्यूज कमर्शियल गाने पे नहीं आते भाई। उन्होंने नेपाली रैप और नेपोप को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई, एंड उन्हीं की वजह से लोगों का नेपोप की तरफ भी ध्यान गया। बट सैडली यामा बुद्धा 2017 में सुसाइड कर लेते हैं, जो कि नेपोप के साथ साथ पूरे हिप हॉप के लिए काफी बड़ा लॉस था। एंड इस इंसिडेंट से यामा बुद्धा के फैंस के साथ साथ नेपोप को भी काफी बड़ा झटका लगा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नेपोप में और भी कई टैलेंटेड रैपर्स आते गए, जिनमें लॉरा, लिल बुद्धा एंड वीटेन है, जिन्होंने अपने आर्ट और अपने टैलेंट के दम पर नेपोप को वर्ल्ड वाइड पहचान दिलाई। अगर आज इंडिया में कोई नेपोप को सुन, बट या दे आर द करंट यू नो 3 मोस्ट पॉपुलर रैपर्स ना मेरे ख्याल से, इनसे ऊपर कोई है क्या? नहीं, आई थिंक सो नॉट। वाइड पहचान दिलाई, अगर आज इंडिया में कोई नेपोप को सुन रहा है तो ऑब्वियसली 90% चांसेस है कि वो इन तीनों में से किसी एक रैपर के सॉन्ग्स को सुनकर ही सुन रहा है। एंड राइट नाउ अगर नेपोप इतना पॉपुलर हुआ है तो इसका क्रेडिट इन जैसे और भी कई रैपर्स को जाता है जो कि नेपाली रैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे भाई, अगर बात करें नेपोप के ग्रोथ की तो वो हर वक्त अपने टाइम से आगे ही रहा है, चाहे आज से 15 साल पहले के नेपोप रैपर्स की बात हो या फिर अभी के रैपर्स की। इन सभी के सॉन्ग्स के लिरिक्स, इनके सॉन्ग्स के स्ट्रक्चर से लेकर म्यूजिक वीडियो, सब कुछ इतने परफेक्शन के साथ रिलीज किए जाते थे। लाइक एज ए एग्जाम्पल, नेपोप के कई रैपर्स के म्यूजिक वीडियो आज इंडिया के मेन स्ट्रीम रैपर्स के म्यूजिक वीडियो से भी बेटर है। भले ये चीज तुम्हें सुनने में थोड़ी खराब लगे, बट ये चीज सच है, बिकॉज इंडिया के कई मेजर लेबल्स भी ऐसे म्यूजिक वीडियो नहीं रिलीज कर पा रहे हैं, जैसे कि नेपोप के। अभी जिससे म्यूजिक वीडियो की बात, तो मेरे दिमाग में पूरा लिल बुद्धा का वही चला था, नो पीस इन लव भाई। मैं पता है वो यार, वो
ऐसा ऑरा ही सेट कर देता है पता है मेरे को। देखो ऐसा म्यूजिक वीडियो बना तो बहुत लोग सकते हैं, इंडिया में भी बना सकते हैं, बहुत बजट है भाई, बट पता नहीं वो वैसा वाइब नहीं देता कि भाई ये फॉरेन का बिलोंगिंग है, समझ रहे हो। मैं तुमको बोला भी था कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है, मैं तुमको बोला था कि पता है पिछली बार की जब भी मैंने फर्स्ट टाइम लिल बुद्धा से बात की थी, मेरे को लग ही नहीं था कि वो अपने जैसे कोई देसी बंदा है, ठीक है, वो खुद को कैरी ही ऐसे करते हैं, समझ रहे हो, उनका वाइब भी वैसा होता है, वो दिखते तो एक तो बाहर के एकदम गोरे गोरे दिखते हैं तो मतलब अलग है, उनका वाइब भी पूरा अलग चला जाता है। और जो मैं सोचा बस यहाँ पे बस वो प्रिंट आउट होके आ रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई। मेजर लेबल्स भी ऐसे म्यूजिक वीडियोस नहीं रिलीज कर पा रहे हैं जैसे कि नेपॉप के पॉपुलर और अंडरग्राउंड रैपर्स चैनल पर रिलीज कर रहे हैं। अगर तुम्हें रियलिटी चेक करनी है तो तुम जाके V10 या फिर ST Man के वीडियोस देख सकते हो, एंड आई एम श्योर कि तुम्हें वो वीडियोस देखकर किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के म्यूजिक वीडियोस की फील आएगी। एंड वहीं अगर बात करें नेपॉप रैपर्स के सॉन्ग्स पर व्यूज की, वहाँ के रैपर्स अपने सॉन्ग्स में बिना कमर्शियल एलिमेंट्स डाले और बिना डिस्ट्रैक्ट्स, सेम गोज विद V10 ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि जो ST Man है वो तो पूरे पूरे मतलब ऐसा जैसे फॉरेन में फैंसी बनाते ना वैसा बनाता है, बट V10 का ऐसा नहीं है। V10 का तो मतलब उसका भी सेम टू सेम है कि वो बहुत नॉर्मल थिंग्स को और नॉर्मल एलिमेंट्स को लेकर वो बोल रहे हैं, जैसे कि कमर्शियल एलिमेंट्स वो डालते ही नहीं तो भी वो इतना वायरल जाता है, समझ रहे हो। तो जैसे कि अभी एक गाना था रीसेंट वाला जो V10 का, उसमें इतना कुछ भी पार्टी टाइप कुछ भी चीज़ें नहीं थी, कमर्शियल चीज़ें नहीं थी, पर देखो वो फेमस हुआ, वो जो गाँव में जा रहा होता है बंदा, वो तो दैट थिंग्स यार मजा आ जाता है वो देख के चीजें सॉन्ग्स में बिना और सेम मतलब उसके अलावा वो बहुत हम्बल भी रहते कि मतलब ऐसा भी नहीं रखते कि वो सबसे आगे हैं और ये वो सब छोटे छोटे आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, मेरे को एकदम कंफर्टेबल कर देते हैं ऐसा, समझ रहे हो। तो बहुत हम्बल है भाई बंदे, रैपर्स के सॉन्ग्स पर व्यूज की, वहाँ के रैपर्स अपने सॉन्ग्स में बिना कमर्शियल एलिमेंट्स डाले और बिना डिस्ट्रैक्ट्स के भी 10 और 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर रहे हैं, जो कि अगर सीरियसली कहूँ तो इंडिया में हाल फिलहाल नहीं हो पा रहा है। अगर तुम्हें मेरी बात थोड़ी कड़वी लग रही है तो तुम जाके चेक कर सकते हो कि इंडिया के किसी भी मेनस्ट्रीम रैपर के बिना डिस्ट्रैक्ट या फिर बिना कमर्शियल सॉन्ग्स के कोई भी सॉन्ग 10 मिलियन क्रॉस कर पा रहे हैं, सिर्फ एक या दो रैपर्स को छोड़कर। देन आंसर इज नो, बिकॉज आज भी इंडियन ऑडियंस और लिसनर्स रियल आर्ट को छोड़कर डिस्ट्रैक्ट्स और कमर्शियल एलिमेंट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट्स और नॉर्मल सॉन्ग्स के। देखा मेरे को पता था एमवी का कुछ तो बोलेगा ये। देख रहे हो भाई तुम लोग 17 मिलियन, 5 मिलियन, उसका 31 मिलियन, 5.2 मिलियन, असली गानों पे व्यूज ही नहीं है। अब ये गाना नेपाल में बना होता तो इस पे पक्का 30 मिलियन व्यू होता, समझ लो कि वहाँ पे लोग कमर्शियल को छोड़ के असली टैलेंट सपोर्ट कर रहे हैं भाई। यो दैट फील सैड, पर ठीक है यार, जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट और नॉर्मल सॉन्ग्स के व्यूज को कंपेयर करने पर साफ दिखाई देता है। एंड मे बी यही रीजन है कि आज इंडिया का हर नया रैपर किसी न किसी रैपर के लिए डिस्ट्रैक्ट रिलीज कर रहा है, बिकॉज अब उन्हें भी पता चल गया है कि ऑडियंस सिर्फ डिस्ट्रैक्ट सुनना चाहती है और उसी पर व्यूज आने वाले हैं, जो कि आई थिंक इंडियन हिप हॉप के लिए एक बड़ा माइनस पॉइंट होने वाला है। तो ये था नेपॉप के इवोल्यूशन से लेकर ग्रो होने तक का पूरा डिटेल वीडियो। एंड अगर इस वीडियो में कही गई मेरी कोई भी बात तुम्हें गलत लगती है तो आई एम सॉरी, लास्ट में मैं थोड़ा कुछ भावनाओं में बह गया था। तो अभी वीडियो की स्क्रिप्ट खत्म हो चुकी है, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग और हिप हॉप। दैट इज अ सीन भाई, खुद में ही एक पूरा सीन है हिप हॉप भाई। मैं तो पता है आना चाहता हूँ कभी, मतलब बसना चाहता हूँ ऐसे एक दो साल के लिए, देखना चाहता हूँ कि क्या सीन है। जैसे कुछ रैपर्स है जैसे बेला, विजय डी के, इनके साथ मैं इंडिया में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। नेपॉप में तो मतलब मैं सब रैपर्स एक एक बार, मेरा बालों को क्या हुआ है भाई, ये मैं क्या हो गया है, तेरे नाम क्यों बन गया हूँ मैं, पर जो भी है भाई लोग ये तो मैं टाइम स्पेंड करना चाहता, एक्चुअली देखना चाहता वो लोग क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, कैसा पीस है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। उनका मतलब ना कोई बीफ ना कुछ, अपना गाना बनाते हैं, महीने में एक दो गाना ड्रॉप करते हैं, बस चले जाते हैं, कभी फ्री वर्स ड्रॉप कर देते हैं, कुछ भी, मतलब उनको किसी से दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। वो कभी तुम्हें मतलब रियलिटी शोज में इतना ज़्यादा नहीं दिखेंगे, खुद में ही रहते हैं, तो मज़ा आता है ऐसे सीन को देख के, पीस है भाई ज़िंदगी में इनके। बाकी लेट मी नो गाइस कि तुमको कैसा लगा वाला वीडियो, अगर तुम्हें नॉलेजेबल वीडियोस और पसंद आते हैं मैं तुमको और दूंगा, ठीक है। और कुछ दिन तो अपन ऐसे ही चलाने वाले, जब तक कुछ नया ड्रॉप नहीं हो रहा है, एल्बम्स मैं रिव्यू करने वाला हूँ, बट बीच बीच में ऐसे वीडियोस आते रहेंगे तुमको पता है। तो तुम मुझे और भी आइडियाज दे सकते हो, नीचे जाके लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और भाई के चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं तुमसे किसी और अच्छी रिएक्शन में, स्टे सेफ, वेयर मास्क, टेक केयर एंड टाटा। हुआ मैं तो ये गेमों का खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पहले थे, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेबलेट, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में, स्कूल में तो लिखता रहे बुक थी क्लास में, टिकते ही टिकते हैं गुम हो गए बैचमेट, ओके मेले फ्रॉम द पीपल हु आर फेक, ML 11 विद वुमन और अ स्नेक, अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन में किया था बेक।